की छात्रवृत्ति पर रोक लगाना, बंद करना गरीबों के खिलाफ एक बड़ी साजिश। पिछले विगत आठ नौ वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा लगातार अति पिछड़ा समाज के अधिकारों पर हमला किया गया। अभी उनके बच्चों को शिक्षा से दूर रखने का नया तरीका केंद्र सरकार द्वारा निकाला गया। केंद्र सरकार को, केंद्र में बैठे मोदी जी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए कि यही छात्र छात्राएं जब पढ़ लिख कर समाज निर्माता और देश के भाग विधाता बनते हैं, उनके हक छीनने से वो कितना पैसा बचा लेंगे। जनता दल यूनाइटेड पार्टी एक मिनट बर्दाश्त नहीं करती उनके हक से जो खिलवाड़ करे। हमारी पार्टी ने आज से ही जन आंदोलन और लोगों को जागरण, उनको बताने के लिए, जन जन तक बताने के लिए आज से ही इसकी शुरुआत कर दी। आज बिहार के प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ता द्वारा केंद्र सरकार के बैठे जो मुख्य चेहरा है उनके खिलाफ, उनका पुतला दहन किया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो छात्रवृत्ति योजना है इसमें केंद्र सरकार का 50% और राज्य सरकार का 50% मिलाकर योजना दी जा रही थी। शुरू में ही कुछ दिन पहले 9th क्लास और 10th क्लास के छात्र छात्राओं को, पिछड़ा अति पिछड़ा के बच्चों का छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया और प्रथम क्लास से लेकर 8th क्लास तक के छात्र छात्राओं को उदासीनता उनके उसमें लाया गया केंद्र सरकार द्वारा। नई कानून मार्गदर्शिका का निकाला गया पीएम यशस्वी योजना के तहत केंद्र सरकार जो है अति पिछड़ा पिछड़ा विरोधी, उनका चेहरा जो है बेनकाब हुआ। इससे बाद होकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि 1 क्लास से प्रथम क्लास से लेकर 10th क्लास तक सभी बच्चों को अपने संसाधन से उनको छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान किया उन्होंने। और उन्होंने इसी जनवरी में कैबिनेट में उन्होंने पारित किया। ये इस तरह से जो भाजपा का जो चेहरा है, जो लगातार जो आप देख रहे हैं, जो आरक्षण को लेकर, अति पिछड़ा के आरक्षण को लेकर, जनगणना को लेकर जो रवैया भाजपा ने अपनाया, आज उसका चेहरा जो है, चेहरा और चरित्र सब उजागर हो गया। जनता जान चुकी है, जनता जो है उसका मुंहतोड़ जवाब आने वाला चुनाव 2024 है उसमें देगी। इसी जानकारी के लिए मैं आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित किया हूं कि जो अति पिछड़ा पिछड़ा से भाजपा जो
खिलवाड़ कर रहा था, आज अति पिछड़ा पिछड़ा के जो बच्चे से उनको शिक्षा से दूर रखने का जो उन्होंने नए तरकीब निकाला है, इसका हम विरोध प्रदर्शन करते हैं। इसके लिए मैं आप सबको बुलाया है, इस चीज को जानकारी देने जी। पहले तो 9th और 10th के बंद कर दिया गया, बाद में जो है 1 क्लास से 8 क्लास तक की उन्होंने बंद किया, पैसा देना बंद कर दिया, आनाकानी करने लगे। जो नेता 9 बार इधर उधर किए, जिनका अस्तित्व आज हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कारण है, और उन्होंने आज उनके कारण उन्होंने जो पहचान बनाई, उनको भूलना नहीं चाहिए। हम तो बहुत बार उनके बारे में बोल चुके हैं, कोई बचा ही नहीं। सब विपक्ष के बाद भी जो विपक्ष जो रवैया अभी देख रहे हैं सदन में, आप लोग जाते ही सदन की गरिमा को तार तार कर दी मर्यादा का। उसने कुछ छोड़ा है क्या, किस तरह से हो रहा है अंदर या बाहर, सब चीज देख रहे हैं। हमारी पार्टी में अनुशासन है, हमारे नेता का जो चेहरा है, जो विजन है, वो देश दुनिया में किसी के पास नहीं, तो आप सभी जानते भी और भाजपा भी जानती। इसलिए तो भाजपा हताश है, इसलिए भाजपा बेचैन है। सीमांचल के क्षेत्र में असुद्दीन ओवैसी रैली कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि नीतीश जी बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, नीतीश जी सबको धोखा दिए। ये कौन जानता, हमारे नेता जो कहते हैं वही करते हैं। और यहां मैंने कहा पहले भी कि देश में कोई ऐसा मुकाबला करने वाला हमारे नेता का कोई जोड़ी नहीं। और अभी हाल के दिनों में मैंने जो पूर्णिया में महागठबंधन की जो महारैली हुई, उससे आप सबको अंदाज हुआ ही होगा। लेकिन हमारे बातों के हमारे जो कार्यक्रम है उसको तो आप लोग दिखा नहीं पाते, उसको देखिए किस तरह से भाजपा जो है आप आज जो है हताश और बेचैन है। कहा है बेचैन, उनको पता हो गया है कि 2024 में हम सत्ता से बेदखल होने वाले। नहीं, कौन कहता है कि हम जाना चाहते हैं, हमने तो पहला ही है जो हमने ना निकाल दिया है, हमने हटा दिया, तू हमको हटाए। हमने पार्टी, हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, और आप कहते हैं कि बदल गया, ये सीएम का चेयर है तो सीएम के चेयर पर सीएम बैठे हैं, डिप्टी सीएम इधर उधर हो रहे हैं, इधर उधर हुए हैं, तो आज महागठबंधन बने हैं। तो महागठबंधन जो बना है ये इसमें कहीं दो राय है क्या कि समाजवादी विचारधारा के दो बड़े ताकत जनता दल यूनाइटेड आरजेडी एक साथ हुआ इसलिए बेचैनी बढ़ गया, वोट इतनी बढ़ गई है इसलिए आज बेचैनी। ये तो आप शुरू से देख रही है ना, लगातार लगातार इसमें पहले जी नहीं नहीं तो हमारी सरकार यहाँ की बिहार सरकार छात्रवृत्ति उन्होंने मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अभी जनवरी में फैसला लिया, और उन्होंने जो बिहार सरकार ने जो फैसला लिया उसमें प्री मैट्रिक मुख्यमंत्री प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की उसी जनवरी में। अरे आप साथी ये समझें कि वो जो है भाजपा इसमें भी एक से एक 1 से लेकर 8 तक के पैसा जो है जो हमारा हक बनता है जो पैसा आना चाहिए वो सही पैसा नहीं मिल रहा है, समझे, लगातार हर साल उन्होंने पैसा की कमाई की। हमने कहा कि हर साल वो पैसा का कमाई मैंने कम किया, हर वर्ष कम करते गया। आज हमने निर्णय लिया, लिया।
नहीं नहीं, जब जब ये हाल के दिनों में जब ये मामला आया तो हम लोग बाध हो गए, बाध हो गए तो हम लोगों ने निर्णय लिया। नहीं नहीं ऐसे देखिए, भाजपा जो है लगातार ही, सिर्फ हम छात्रवृत्ति की बात नहीं करते, भाजपा जो है लगातार सभी पर देखेंगे जी कि अति पिछड़ा दलितों को अभी देख रहे हैं ना, जगजीवन जो छात्रावास पर क्या हुआ, बंद करते रहे। तो आप जो हमारा जो धरोहर, जो हमारा जो सब चीज को आप बंद कर रहे हैं, दलित और अति पिछड़ा को आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन हो रहा है। अरे बारी बारी से कोई साथी प्रश्न करेंगे मीडिया के साथी। अरे एक कर दी संजय जायसवाल के पास कुछ है। हमारे नेता विकास में विश्वास करते हैं और दिन रात विकास के लिए चिंतित रहते हैं, समझे, दिन रात वो काम करने में लगे रहते हैं। हम लोग भ्रम फैलाने के और लोगों को भटकाने में नहीं लगे, जो लोग लगे हैं उनसे पूछिए, उनसे सवाल करिए। चलिए थैंक्स। समझे क्या सवाल है? नहीं ना, हम लोग तो पूरे बिहार सरकार ने पूरा उसको उठा लिया है अपने संसाधन से, वन से लेके आपको मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। आप जान लीजिए, मुख्यमंत्री प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा एक से चार तक के बच्चों का सालाना 600 रुपया, 5-6 क्लास के बच्चों को सालाना 1200 रुपया, 7वीं से 10वीं तक के बच्चों को सालाना 1800 रुपया दिए जाने का प्रावधान बिहार सरकार ने किया है। और जो वो बच्चे छात्रावास में रह रहे हैं, बच्चे जो 1 से लेकर 10 तक के, उनको सालाना 3000 रुपया छात्रवृत्ति देने का सरकार ने निर्णय लिया, ये बिहार सरकार। 1,01,25,00,000 लोग जो है छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। चलिए सरकार से, सरकार इस पर निर्णय लेगी, सरकार से बात करेंगे। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।